दोस्तों नमस्कार। पिछले एक महीने में जो ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स हैं उसमें कई सनसनीखेज वारदात हुए। मैं सिर्फ पिछले एक महीने की बात कर रहा हूं, जिसमें दो परिवार सूना हो गया, यानी कि दो ड्राइवर्स की हत्या कर दी गई। एक महिला जिनके साथ 5 फरवरी को उबर के ड्राइवर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। इन सब घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। यहां पे ये बात समझना जरूरी है कि किस तरह से जो ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर है उनके जो बिजनेस मॉडल है उसपे ना सवारी सेफ है और ना ड्राइवर सेफ है। मैं आपके सामने वो 4 घटनाएं रखना चाहता हूं जो सवारी हो या ड्राइवर्स हो, अब आप इसमें से देखेंगे और फैसला करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ये एक 26 वर्षीय महिला का 5 फरवरी को उबर के ड्राइवर द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसके तहत 19 फरवरी को पुलिस एक एफआईआर करती है उबर के मैनेजमेंट के ऊपर में, और पुलिस द्वारा ये कहा जाता है उस एफआईआर में कि उबर जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं करती है और इनके ड्राइवर वेरीफाइड नहीं है। दूसरी घटना, आसिफ 24 वर्षीय नौजवान जिसकी गाड़ी बुक करके ओला के पैसेंजर के द्वारा ले जाया जाता है और उसकी हत्या करके गुलाब के जंगल में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है, जिसका शव भी 8 दिन बाद मिलता है। तीसरी घटना, शाकिर जिसकी गाड़ी ओला के द्वारा बुक की जाती है और उसकी गाड़ी को ले जाकर के रात के 3 बजे ग्रेटर नोएडा में उसको उसी की सीट बेल्ट से बांध करके फिर उसको गाड़ी में डाल करके खुर्जा ले जाते हैं वो फर्जी पैसेंजर, और उसकी गाड़ी वहां लूट करके और ड्राइवर को गाड़ी से फेंक करके और उसकी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। शाकिर किसी तरह से अपना जान बचा करके वहां से लौटा, लेकिन उसकी गाड़ी छिन गई, यानी कि रोजी रोटी छिन गई। अब वो परेशान होगा, अब वो कहां से रोजी रोटी कमाएगा, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। चौथी घटना बहुत ताजा है फिर, राम गोविंद जिसकी गाड़ी बुक करके ओला के पैसेंजर के द्वारा ले जाई गई, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो इन 4 घटना जो सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर ये घटी है, इसके तहत सवारी कितनी सेफ है और ड्राइवर कितना सेफ है, ये आपके सामने है। एक यहां पे विश्लेषण करना जरूरी है कि आप अगर देखेंगे तो जिस कदर से पिछले 6 से 8 महीने में ड्राइवरों की हत्या की गई है फर्जी पैसेंजर के द्वारा लूटपाट के इरादे से, वो एक चौंकाने वाला सच है, लेकिन इन आंकड़ों का कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। अब इन 4 घटनाओं में से सबसे पहले बात करते हैं जो महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसमें पुलिस ने कहा कि ये ऑनलाइन ट्रैकिंग नहीं करते हैं अपनी गाड़ी का, ड्राइवर वेरीफाइड नहीं है, जिसकी वजह से ये घटनाएं घट रही है। यहां पे एक चौंकाने वाली बात है। हम इस बात से एग्री करते हैं कि जिस तरह से ये ओला और उबर आपस में कंपटीशन करने के लिए और जिस तरह से पहले ड्राइवर्स को ऐड किया, जो ड्राइवर्स नहीं थे, गाड़ी नहीं चलाते थे, उनको भी लालच देके ड्राइवर्स बना लिया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ड्राइवर्स की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है इनकी बिजनेस मॉडल की वजह से, जो 17 घंटे और 20 घंटे ये गुलामों की तरह काम करा के और उनके जेब में 200-500 रुपया नहीं बचने देते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में जो ड्राइवर की मानसिक स्थिति है वो इस कदर गिर चुकी है और वो अच्छे बुरे सोचने के उस हालात में नहीं रह जाते 17 घंटे 18 घंटे गाड़ी चलाने के बाद। अब यहां पे हम उन घटनाओं की बात करते हैं जिसमें ड्राइवर्स की हत्या कर दी गई है। अगर ऑनलाइन ट्रैकिंग नहीं किया जाता है तो सवारी के लिए भी खतरनाक है, लेकिन ड्राइवर्स के लिए भी कितनी खतरनाक है कि एक ड्राइवर्स का शव 8 दिन बाद मिलता है, जिसकी गाड़ी बुक करके ले जाया गया, लेकिन उस ड्राइवर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो क्या उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं है? ड्राइवर्स भी इंसान है, हमारे भारत की जनता है, सरकार के लिए वोटर है, तो उनकी जिंदगी जिंदगी नहीं है? तो जिस तरह से कैब एग्रीगेटर्स तमाम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? ये सवाल बहुत बड़ा है। गैर कानूनन तौर पे ये चल रहे हैं, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स के ऊपर अभी कोई कानून नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पे बात ये है कि जिस तरह से कैब एग्रीगेटर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जवाब कौन देगा आखिर? तो ऑनलाइन ट्रैकिंग अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये तो दोनों ही केस में नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर का शव 8-8 दिन बाद मिलता है, कोई अपने घर से गायब हो जाता है, ये किसी को अपना डेटा नहीं बताते, उसके घर वालों तक को नहीं बताते हैं कि वो कहां है क्या है। तो आज कहां है वो ह्यूमन राइट्स वाले, जो ये निर्मम हत्याएं ये कैब एग्रीगेटर्स की वजह से होती है, उन पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। ये ड्राइवर आसिफ जिसकी हत्या की गई है, 24 वर्षीय नौजवान था, उसकी 8 महीने की एक बच्ची है जिसने अपने पापा को शायद ठीक से अभी देखा भी नहीं होगा। वो ड्राइवर आसिफ जो अपने बच्चे के मुंह से पापा की आवाज तक अभी तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि उसकी सिर्फ 8 महीने की बच्ची थी, उसकी हत्या कर दी गई। अब उस बच्ची के जीवन का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा? तो यहां पे ये सवाल दो तरफा है, सवारी के लिए भी ये खतरनाक है और ड्राइवर्स की तो हत्याएं हो रही है। मैं तो ये सिर्फ आपको एक महीने का डेटा बताया। अब यहां पे सवाल ये है कि ये न्यूज भी नहीं आती,
ना मीडिया में छपती है, ना इस पे कोई बात करते हैं, ना सरकार सुनती है, कोई सुनने को राजी नहीं है। किस तरह से जान का खतरा है, चाहे ड्राइवर्स हो या सवारी हो। लोग कहते हैं कि मैं एक तरफा कई बार बात करता हूं, ड्राइवर्स की समस्याएं उठाता हूं, लेकिन बात यहां ये नहीं है। ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स जो है, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल जो है, किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है, और इसकी वजह सिर्फ एक है, सिर्फ कानून के अभाव में। टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना चाहिए, तरक्की करना है तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह से ये कैब एग्रीगेटर्स हो या ऑनलाइन बिजनेस के मॉडल में हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े संख्या में लोगों के रोजी रोजगार पे प्रभाव पड़ा है। अगर हम इन्हीं आंकड़ों को अगर एक साल का आप करके देखेंगे तो सैकड़ों ड्राइवरों की जिंदगी जा चुकी है, हजारों ड्राइवर्स के गाड़ी लूट लिए गए, कितने ड्राइवर्स के रोज पैसे नहीं देते हैं लोग, तो इन सबों का जिम्मेवार कौन है? आखिर क्यों सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, और जिस तरह से इन कैब एग्रीगेटर्स की वजह से लोगों की जाने जा रही है, आखिर किस कानून के तहत इनको ये हक दिया गया कि तुम ड्राइवर्स की जान लेते रहो? अगर यहाँ पे हम बात करें, ड्राइवर्स अगर पिकअप के लिए नहीं जाते हैं तो उनपे जुर्माना लगाते हैं, चाहे रात हो या दिन हो। ड्राइवर्स को पता है वो एरिया सेफ नहीं है, फिर भी वो जाता है, वहां पे जाना पड़ता है, ये कहते हैं नहीं जाओगे तो तुम पे जुर्माना लगेगा, तो वहां जाके वो पैसेंजर इसकी हत्या कर देता है, तो उसकी जिम्मेवार ये कंपनी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हम आप किसी को कहीं भेजते हैं और उसके साथ कोई ऊंच नीच होता है तो उसका जिम्मेवार भी हम ही आप होते हैं, क्योंकि हमने उसको वहां भेजा है, तो ये कंपनियां जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती है? अगर आप देखेंगे कि कितने सैकड़ों ड्राइवर्स की जाने जा चुकी हैं, वहीं पे अगर हम सवारी की बात करें तो दोनों में कितना रेशियो है कि आखिर सवारियों के साथ कितना हुआ हादसा और ड्राइवर्स के साथ कितने हादसे हुए हैं, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यहां पे सबसे बड़ी बात है, जो ड्राइवर्स की जान ले लेते हैं, जो 7 लाख की गाड़ी तो उनके पास हमेशा है, वो लेके चलते हैं, तो जो लुटेरे हैं उनको क्या है? उन्होंने 7 लाख की गाड़ी अगर 10,000-20,000 में इनको मार के बेच देते हैं, ये एक बहुत शोचनीय विषय बन चुका है। और कितना मोबाइल नंबर से बुक करके, चाहे वो सवारी हो या ड्राइवर्स हो, कितना सेफ है मोबाइल नंबर से बुक करके, और कितनी बार हादसा हो जाता है, उसके बाद होता क्या है? कुछ भी नहीं, और कंपनियां अपना हाथ साफ करके निकल जाती है, और फिर अगले दिन से वो अपने काम करती रहती है कंपनियां, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस फैमिली का आदमी चला जाता है, रोजी रोजगार कमाने वाला चला जाता है, वो फैमिली जिंदगी भर इस गम में तड़पती रहती है, और उसका क्या हाल होता है, ये बहुत शोचनीय विषय है। यहां पे एक बात समझ में नहीं आती कि ह्यूमन राइट्स हो, चाहे बहुत सारे एनजीओ हो, वो कहां चले जाते हैं जब इतनी निर्मम हत्या हो जाती है? आखिर कौन है जिम्मेवार? जिस तरह से ड्राइवर्स की हत्याएं हो रही है, उनके साथ लूटपाट हो रही है, उनकी रोजी रोजगार के साथ खिलवाड़ हो रही है, और जिस तरह से उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में ढकेला जाता है, इसका जिम्मेवार कौन है? इन कैब एग्रीगेटर्स की वजह से पूरे विश्व के जिन शहरों में इन्होंने काम किया, वहां पे लोगों की क्या हाल हुई है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी सबूत के साथ।